Hi guys, this is Aki and you're watching Akidi Hot Pistons YouTube channel. दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको इंडिया की लेजेंडरी स्कूटर बजाज चेतक के ऊपर कुछ खतरनाक स्टंट करके दिखाने वाले हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो दो बंदे हैं जिनकी ये चेतक है और ये अभी अभी लौटे हैं ऑफ रोडिंग करके चेतक के ऊपर. तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और खतरनाक धूमधड़ाक स्टंट स्टार्ट करते हैं. दोस्तों बजाज चेतक एक ऐसी लेजेंडरी स्कूटर है जो कि बहुत लंबे समय तक इंडियन मार्केट पर राज किया था. ये जो चेतक है इसका प्रोडक्शन 1972 से बजाज ने स्टार्ट किया था और 2006 तक इसका प्रोडक्शन चला था और 2002 के बाद बजाज ने इसको फोर स्ट्रोक इंजन के साथ भी लॉन्च किया था. बात करें इसके इंजन की तो आपको 150cc का टू स्ट्रोक इंजन इसमें आता है जो कि 7.5 BHP का पावर और 10.8 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. यहाँ पर इसका जो इंजन है राइट साइड की तरफ होता है, इसके कारण चेतक को चलाते समय थोड़ा सा राइट साइड की तरफ जो है झुकाव देखने को मिलता है. यहाँ पे इसके गियर्स हाथ के पास ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो कि मैन्युअली यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है. और यहाँ पे इसका किक भी जो है लेफ्ट साइड की तरफ होता है. और चेतक की खास बात यह है कि इसको झुका के किक मार के स्टार्ट करना होता है, तभी यह स्टार्ट होती है. चेतक जो है बहुत ही गहराई के साथ हमारी इंडियन फैमिलीज के साथ जुड़ी हुई है. अगर आपके पास भी चेतक है या फिर अभी तक आप चेतक चलाते हो, आपने चेतक को संभाल के रखा है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना. दोस्तों मैं जो हूं चेतक का इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं, मैंने कभी जिंदगी में पहले चेतक के ऊपर स्टंट्स नहीं किए थे, लेकिन अब मैं आपको चेतक के खूनखार खिलाड़ी से मिलाना चाहूंगा जिन्होंने अपनी स्टंट राइडिंग की शुरुआत ही बजाज चेतक पे की थी. सो प्लीज वेलकम स्टंट डेविल HPZ. सो स्टंट डेविल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका अकेडी हॉट पिस्टन्स यूट्यूब चैनल में. भाई बताओ चेतक का अपनी लाइफ में क्या रोल है और कैसे आपने चेतक के ऊपर स्टंट्स करना स्टार्ट किया था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अकी मुझे अपने चैनल पर इंट्रोड्यूस कराने के लिए. और रही बात चेतक की, चेतक मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट टू व्हीलर है. जब मैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं कॉलेज को पैदल चलकर जा रहा था, तब मेरे फादर ने मुझे अपनी स्कूटर दी कॉलेज को जाने के लिए. और कॉलेज के बाद जब भी क्लासेस ऑफ रहते थे या फिर कॉलेज ख़त्म हो जाती थी तभी मैं इसी चेतक को स्टंट राइडिंग स्टंट प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करता था. और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मैंने इसी पर मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, लॉन्ग राइड्स पर भी. और आज तकरीबन 10-12 ईयर्स के बाद, 10-12 साल के बाद मुझे ज़िंदगी ने एक मौका दिया है वापस इसी स्कूटर पर स्टंट राइडिंग करने का. तभी 10-12 साल के पहले ऑलमोस्ट व्हीली, बर्नआउट्स, 360 ऐसे पूरे स्टंट्स कर चुका था मैं. अभी 10-12 साल के बाद मुझे कुछ भी टच नहीं है इस स्कूटर का. 10-12 साल के बाद फिर से एक बार इस स्कूटर पर स्टंट करूंगा. आई विल ट्राई माय बेस्ट. सो थैंक यू अकी. और इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी गंदी हालत हो चुकी है इसकी, व्हाट्स दिस अकी? ये क्या है ना, एक्चुअली जो राइडर्स हमने इनवाइट किए थे वो अभी अभी ऑफ रोडिंग पे जाके हैं तो थोड़ी सी गंदी हो गई है गाड़ी. आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं JPT के नए F8 वॉशर से इन दोनों को चकाचक कर देता हूँ. Of harmony left me with the pieces of forever that you broke, but since you left me alone I've been high, I've been दोस्तों ये है JPT का F8 प्रेशर वॉशर. 220 बार का इसका प्रेशर है और ये JPT का फ्लैगशिप प्रेशर वॉशर है पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए. इसका पावर इतना ज़्यादा है इसके सामने किसी भी तरीके की गंदगी को टिक पाना इम्पॉसिबल है.
दोस्तों इस जेपीटी के प्रेशर वॉशर में इतना दम है, सिर्फ पानी से ही गाड़ी क्लीन हो गई, शैम्पू लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। दोस्तों इस F8 प्रेशर वॉशर को बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्रेशर। अब जो है दिवाली सेल चल रहा है तो ग्रेट डिस्काउंट पे ये प्रेशर वॉशर अवेलेबल है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर जेपीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप इसको खरीद सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। दोस्तों 35 साल पुरानी चेतक अब चकाचक वॉश होके रेडी है और स्टंट डेविल भी रेडी है। भाई खतरनाक स्टंट राइडिंग चेतक पे शुरू करते हैं। सभी को लेजेंडरी स्कूटर बजाज चेतक के ऊपर मेरा और स्टंट डेविल का स्टंट, भाई एंजॉय किया क्या? नहीं रियली बहुत एंजॉय किया। सो गाइस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है एंड थैंक यू सो मच माय चेतक सब्सक्राइबर्स नवीद एंड अर्शद। यार तुम लोगों ने चेतक को जो मेंटेन रखा है ना आज के तारीख में काबिले तारीफ है। इंजन इसका बहुत ही स्मूथ है और इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। सो वीडियो को क्या करना है आप लोग को फुल पावर के साथ सबके साथ फैलाना है, शेयर करना है। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।